बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, गुजरात के शहर जलालपुर जेटा की कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं। एक तो यह कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अली बड़ैच उमरा की अदायगी और दुबई के मुख्तसर दौरे के बाद गुज़श्ता रात अपने वतन पहुंच चुके हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अली बड़ैच ने सऊदी अरब में उमरा अदा किया, उसके बाद दुबई कारोबारी सिलसिले से मुख्तसर दौरे पर चले गए और गुज़श्ता रात वो खैर वाफियत के साथ घर पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में चौधरी यासर बड़ैच, चौधरी बिलाल बड़ैच, चौधरी हैदर सिखू, आबद हुसैन, राजा तना ने उन्हें एयरपोर्ट पर पिक किया और उन्हें वेलकम किया। आज वो अपने डेरा पर अवामी मसाइल सुनेंगे। दूसरी और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि सबक चेयरमैन बल्दिया सैयद हाशिम अली शाह पर कातिलाना हमला हुआ है। ये वाकया गालबन 30 नवंबर को रात 9-9:30 बजे के दरमियान पेश आया। उस वक्त पेश आया जब ये अपने प्लाट का विजिट करने गए तो नामालूम अफराद ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में वो बाल बाल बच के बहरहाल मुलजमान पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। यहाँ पर एक और मालूम भी आपको आगाह कर दें कि शिबालपुर रोड पर टफ टहल लगाई जा रही है। नाकद मटेरियल की वजह से अहले इलाका ने अदालत से रुजू की थी तो अदालत ने इस काम पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, मगर इत्तला ये है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद ठेकेदार नाकद मटेरियल का इस्तेमाल करके धड़ले से काम जारी रखे हुए है। इसके साथ ही मैं जल्द जाता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह निगेबा।